समझ लीजिए डीप क्लीनिंग और डेकोरेशन का वीडियो। तो ये है मेरा ऊपर वाला। Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay. Cause baby, I love you. Why you tryna break us up? When I'm tryna build it up. और बाहर रखे हुए मेरे सारे प्लांट्स। Cause baby, I love you. सबसे बड़े फेस्टिवल की बात करें तो वो है दिवाली। एक तो इसमें फेस्टिवल्स बहुत सारे होते हैं एक के बाद एक, और इसमें जो काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें होती है बहुत ही बड़ी वाली डीप क्लीनिंग और होता है डेकोरेशन। तो मेरे हिसाब से तो देखो डेकोरेशन का मतलब ही बहुत अच्छी सफाई है। अगर घर साफ रहेगा तो अपने आप ही बहुत सुंदर लगेगा। तो मैंने जो हूँ एक एक करके मैंने अपने घर के सारे पार्ट्स को मैं जो हूँ क्लीन करती जा रही हूँ, डेकोर करती जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, जो मेरा ऊपर वाला एरिया है उसमें जो लिविंग एरिया है उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कह दीजिए डीप क्लीन किया और बनाया है एक बहुत ही बढ़िया वाला DIY जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। उसे बनाना बहुत आसान है और वो जो है कुछ मिट्टी के बर्तनों से मैंने बनाया है। और मैं आपको बताऊं जो मैंने ये मिट्टी के बर्तनों से चीजें बनाई हैं ये सालों साल खराब नहीं होती। एक बार आपके पीतल के बर्तन खराब हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, लेकिन जो DIY मैं आपको आज बताने जा रही हूं ना तो ये काला पड़ता है ना इसकी कोई मेंटेनेंस है और इसमें चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और आपको भी बड़ा अच्छा सा फील होता है जब हम कुछ मिट्टी के बर्तनों से अपने घर को सजाते हैं। तो ये हैं वो मिट्टी के बर्तन जो मैं लेकर आई हूँ और ये सारे बर्तन मैं लेकर आई हूँ 170 रुपीज़ में, अलग अलग शेप के जिसमें कुछ मटकियाँ हैं और कुछ उल्ली स्टाइल के हैं। इनको सबसे पहले गीले कपड़े से साफ कर लिया ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें पेंट हो जाए। और पेंट करने के लिए मैंने लिया है ऑयल पेंट, एशियन पेंट का। कोई भी ऑयल पेंट ले लीजिए, पानी में ख़राब नहीं होता है, जो कलर आप चाहें वो ले सकते हैं। और ब्रश की मदद से मैं जो हूँ पेंट करूँगी। और एक चीज़ और, जब हम पेंट करते हैं तो दाग वगैरह लग जाते हैं तो उसके लिए मैंने लिया है ये तारपीन का तेल, ऑयल है ये, और इससे ब्रश वगैरह और ये जितने भी स्टेन्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं। ये है गोल्डन कलर जिसे मुझे पेंट करना है। एंटीक कलर मुझे नहीं मिला था, एंटीक गोल्ड, इसलिए मैंने इसको लिया था। बिल्कुल हल्के हाथों से कम कम पेंट लगाकर आप पेंट करिए। ज्यादा पेंट अगर आप ब्रश में लेंगे तो थोड़े से ना उसमें ड्रॉप्स आ जाती हैं। और जब कभी भी आप बर्तन खरीदें तो किनारे देख लीजिए बिल्कुल स्मूथ हो, टूटे फूटे ना हो, ताकि बिल्कुल सही तरीके से हमारा चीज़ बनकर निकले। और मैंने ये सिंगल पेंट कर लिया है बिल्कुल हल्का हल्का। जब पेंट करते हैं पहला कोट ना तो थोड़े से दाग से आते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सेकंड कोट करते हैं तो वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो ये जितने भी थे ये सारे जो हैं एक बार पेंट हो गए हैं। अब जैसे ही हल्का सा सूखेगा हमने पीछे की तरफ से कर लिए और अब इन्हें सूखने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। मैंने आपको बताया था जब मैंने अपनी स्टडीज रीस्टार्ट करी थी ना तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि मुझे बच्चों को घर पे छोड़कर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश की क्लासेस करने के लिए जाना पड़ता था और मतलब उससे काफी सारी चीजें गड़बड़ हो जाती थी। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डुओलिंगो के बारे में जो कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है और इसमें आप केवल इंग्लिश ही नहीं बल्कि 40+ लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी है, जर्मन है, स्पेनिश एटसेट्रा लर्न कर सकते हो। और डुओलिंगो से लैंग्वेज लर्न करना इतना आसान है जैसे कि एक गेम खेलना हो। और इसमें आप एक लैंग्वेज की मदद से दूसरी लैंग्वेज लर्न कर सकते हो और इसे आप प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, एक लैंग्वेज को जब हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो उसके 3 पार्ट होते हैं जैसे आपकी स्पीकिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है। और डुओलिंगो में ये तीनों ही पार्ट्स कवर किए जाते हैं जिससे कि आप लैंग्वेज पे मजबूती से अपनी पकड़ बना लेते हैं।
जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसे हमें बिल्कुल अपनी आदत में लाना पड़ता है, हैबिट में लाना पड़ता है, और एक रूटीन हमें उसके लिए बनाना पड़ता है। जो हमारा गड़बड़ हो जाता है, एक आलस आ जाता है कभी कभी, लेकिन डुओलिंगो में है हैबिट बिल्डिंग। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। डुओलिंगो में आपको मिलता है एवरी डे एक रिमाइंडर, जिसमें कि आपको देने पड़ते हैं 10 मिनट्स पर डे। अब बारी आती है लेवल्स की। जैसे जैसे आपके लेवल्स इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे आपकी ट्रेनिंग भी एडवांस होती चली जाती है। डुओलिंगो कवर करता है ट्रैवल, जॉब अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा हर लैंग्वेज में, जिससे आप लैंग्वेज को इफिशियंटली लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और ये सब आप घर बैठे ही कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, डुओलिंगो को डाउनलोड करना है, और डुओलिंगो का जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जो है डाउनलोड करिए और स्टार्ट करिए एक लैंग्वेज को लर्न करना, जिससे कि आप घर बैठे ही देखो लर्न कर रहे हो। मैंने आपको बताया ना, जब मैं जाती थी तो प्रॉब्लम्स आती थी। काश अगर उस टाइम होता तो मुझे भी थोड़ी सी कम परेशानियों का सामना करना पड़ता। और जब पहला ये कोट सूख गया है बिल्कुल अच्छी तरह से, और मैंने बिल्कुल उसी सेम मेथड से इस पे सेकंड कोट कर लिया, देखिए कितने सुंदर ये लगने लगे सेकंड कोट होते ही। और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये मिट्टी के हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पीतल के बिल्कुल चमकदार बर्तन हैं। और अब इन्हें सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेकंड कोट में टाइम लगता है, और तब तक कर लेते हैं सफाई। तो ये मेरा जो ऊपर का लिविंग एरिया है, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो डीप क्लीन जब कभी भी मैं करती हूँ तो सारा सामान हटाना ही है, और उसके बाद जितनी भी खिड़कियां हैं या सामान है वो सब क्लीन होगा। जो वॉल्स थी वो बिल्कुल साफ थी, लेकिन है क्या, बाहर काम चल रहा है तो उसकी धूल चिपक गई है वॉल्स पे, इसलिए मैंने झाड़ू की मदद से इस धूल को हटाया। और ये देखिए, ये डबल जो है फ्लोर पे ये सीलिंग है, बहुत ऊंची है, तो डंडा वगैरह बांध के किसी तरह मैनेज करके बिल्कुल क्लीन करी दीवारें, जाले वगैरह छुटाए। और इसी तरीके से जो पंखे होते हैं ना, उनको भी साफ करना जरूरी है, तो पूरा पंखा मैंने बढ़िया तरह से साफ कर लिया है। और इसका ना एक क्लीनर है मेरे पास, जो उसे भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, उससे मैंने साफ किया तो एक बार में ही चमक जाता है, और काफी सारी गंदगी जो है हो गई है, और इसको अब साथ के साथ क्लीन करना भी जरूरी है। और जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से एक बार सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से अच्छी तरह से मैंने पोंछ दिया है। ये साफ ही थे, बहुत ज्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन अब अच्छे से साफ होने, मतलब क्लीन हो गए हैं ये। कूलर हटाने के बाद खिड़की का देखिए विंडो का नज़ारा कैसा है, काफ़ी सीलन आ गई है विंडो के आगे, तो मैंने ये दाग वगैरह हटाने हैं, तो थोड़ा सा इसको खुरच के मैंने इस पे पेंट कर दिया। तो जो पेंट होते हैं ना, वॉल पेंट होते हैं, हमेशा मेरे पास रहता है वाइट कलर, और इसी को मैं करूँगी पेंट इस पे। जब कभी भी मैं कोई भी जगह की डीप क्लीन स्पेशली दिवाली पर करती हूँ, तो जो एरिया में सीलन होती है या गंदगी होती है वो मैं तभी क्लीन करके मतलब पेंट कर देती हूँ, या अगर सीलन होती है तो वॉल पुट्टी वगैरह कर देती हूं। अभी मुझे इस खिड़की को, विंडो को बिल्कुल सही करवाना है आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा बस इसको ऐसा कर दिया कि ये देखने में खराब ना लगे और बिल्कुल क्लीन लगे। मतलब जब हम सफाई करें तो चीज भी बिल्कुल क्लीन लगनी चाहिए। तो ये सब काम वो होते हैं जो हम खुद अपने आप कर सकते हैं और हमें कर भी लेने चाहिए। और उसके बाद देखिए पूरा मैंने रूम अच्छी तरीके से ये क्लीन कर लिया है, मंदिर मेरा क्लीन है, और कॉर्नर्स को मैंने डिटर्जेंट से भी रगड़ के जो किचन का जूना होता है उसे क्लीन कर लिया है। आपको वीडियो में अंधेरा लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि पीछे से आ रही है लाइट, सनलाइट आती है बहुत अच्छी, देखो कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है। और यहाँ पे जब ये हल्के वाले कर्टन से आप कहोगे कि मैंने ये क्यों लगाए, ये तो समर्स में लगाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना बहुत अच्छी लाइट आती है, इसलिए मैंने लाइट कलर के कर्टन लगाए। देखो कितनी अच्छी रोशनी आ रही है। और बाहर रखे हुए मेरे सारे प्लांट्स, तो बहुत ही अच्छा लुक यहाँ से आ रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो धूप आ रही है ना। ये है एक सिटिंग अरेंजमेंट जो कि बहुत ही खराब हो गया था, मैंने इस पे वॉलपेपर भी लगाया था और वीडियो भी बनाया था। मैंने इस पे जो लकड़ी का काम चल रहा है ना बाहर कारपेंटर से, तो जो रखी हुई मेरी मायका थी वो मैंने लगवा के इसे बिल्कुल फिट करवा लिया, बहुत सुंदर लग रही है।
अब ये है कुछ पुराने फ्लावर्स का बंच है मेरे पास, फेंक ही दिया था तकरीबन, लेकिन मुझे मैंने इसको निकाला और देखिए ये है वही उरली, वो मिट्टी के बर्तन जिसे मैं उरली की तरह से यूज़ कर रही हूँ। कितना चमक गए हैं, बिल्कुल पीतल की तरह से लग रहे हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और ये पानी से बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब ग्लूगन की मदद से या सेलो टेप की मदद से जो बंच था ना फूलों का, उसमें से थोड़े से फूल निकाल कर मैंने कॉर्नर पर इसे अच्छी तरीके से लगा दिए हैं, तो बिल्कुल ये ऐसी लग रही है जैसे मार्केट से परचेस करी हुई उरली हो। और जो तीन इसी तरीके की शेप की थी ना, उन तीनों में मैंने इसी तरीके से ये बंच के छोटे छोटे टुकड़े लगा दिए। अगर आपके पास पत्तियां वगैरह हो तो वो भी लगा सकते हैं। और अब बारी आई सारी चीजों को लगाने की, तो मैंने ये सब चीजें लगाई। यहां पे मुझे थोड़ा सा पीस कॉर्नर बनाना है, एक शांति टाइप जिसमें मिलती ना कॉर्नर उस तरीके का। एक मेरे पास बहुत ही अच्छा फाउंटेन भी है, वो भी मैं यहां पर लगाऊंगी अभी आगे। तो इस उरली में तो मैंने जो है बुद्धा जी को बिठा दिया और बाकी सब में मैं डालूंगी कुछ ड्राई लीव्स। ये ड्राई लीव्स की जगह पे पानी भी भर सकते हैं, बिल्कुल ये खराब नहीं होगी और देखने में भी बिल्कुल ऐसी नहीं लगेगी। ये मिट्टी की है और बहुत ही सुंदर और चमकदार लगेगी और एक कोना आपका पूरी तरह से सस्ते में डेकोर हो जाएगा। जो मैंने इन पॉट्स में, ये मैंने अभी तो फिलहाल ड्राई लीव्स डाल दी हैं, अगर इनमें आप पानी भर के भी रखेंगे ना और इसमें फ्लावर्स डाल देंगे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। मेरे पास एक ऐसी ही मैंने उरली बना रखी है, करीब 2 साल पहले मैंने बनाई थी, कंटिन्यूअस हमेशा उसमें पानी भरा रहता है। छत पे रखती हूँ उसे मैं आउटडोर एरिया में, और अभी तक ना तो उसका पेंट खराब हुआ है और ना ही मतलब वो मिट्टी वगैरह कुछ खराब हुई है। तो इसमें पानी डाल के खूब फ्लावर्स और कैंडल्स लगा सकते हैं। तो इस सब का डेकोरेशन मैं आपको दिवाली में करके जरूर दिखाऊंगी। और ये ना बहुत सुंदर लगते हैं और इनको और इनसे जो है ना घर को डेकोर करने के बहुत सारे जो है तरीके हो सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने ऑनलाइन देखा था कि उरली है और उसके कॉर्नर में फूल लगे हुए हैं, तो मैंने उसी तरीके से बनाई, बहुत सुंदर लगी और शानू को भी बहुत पसंद आई है। और ये वाली जो कैंडल्स है ना, ये पानी की कैंडल्स हैं, इसमें पीछे जो है एक सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही इसे पानी में रखते हैं ना ये अपने आप जल जाती हैं। तो इनको मैं भी जला के आपको दिखाती हूँ। और ये है एक पीतल का बहुत ही प्यारा सा मटका, और ये मुझे बहुत ही रीजनेबल मिल गया, लोकल शॉप से मैंने लिया है। ऑनलाइन जब ये सब सामान मैं लेती हूँ ना तो मुझे कॉस्टली लगता है। और बताएं मॉर्निंग में यहाँ पे धूप आ रही है, आप लोगों को हल्की हल्की सी फील भी हो रही होगी, तो ये मैं रख दूंगी यहाँ और दिवाली पर इस पर कुछ अच्छी सारी चीजें डेकोर करूंगी। तो दिवाली डेकोर तो मैं आपको दिखाऊंगी ही। और देखो ये है एक जो मैं भगवान जी के लिए फैब्रिक लेकर आती हूँ ना बिछाने के, तो ये वो है, इसको मैंने यहाँ डाल दिया। दिवाली पर ना मैं इन सब में बहुत अच्छी सी कैंडल्स लगा दूंगी, फ्लावर्स लगा दूंगी, बड़े अच्छे से इस एरिया को डेकोरेट करूंगी, क्योंकि मेरे ठाकुर जी सामने बैठे हैं भगवान जी, और ये एरिया बहुत सुंदर लगेगा। तो ये है मेरा ऊपर वाला लिविंग एरिया अब, और ये ठाकुर जी बैठे हुए हैं इधर, और पूरा सुंदर सा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इधर के जो रूम है ना उनका तो बाद में आपको दिखाऊंगी, देखो कितना सुंदर है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये जो कॉर्नर मैंने बनाया है ना पीतल का, दिखाती हूँ आपको, देखो ये तो बहुत ही गजब लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जरूर ट्राई करना, बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा जब इसे दिवाली पे मोमबत्ती वगैरह से, कैंडल से और फ्लावर्स से जब डेकोरेट करूंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये था मेरा, देखो एक छोटा सा मतलब मेकओवर समझ लीजिए, डीप क्लीनिंग और डेकोरेशन का वीडियो। और जो ये सब है ना इनमें मैं दिवाली पे डेकोरेशन करूंगी, कैंडल्स लगा के बड़ी बड़ी इन मटकियों, जरूर बना लो आप लोग। और इस कॉर्नर पे देखो मुझे कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल इस पीतल की, और पीतल नहीं मिट्टी की है ये तो, केवल मिट्टी की जो ये मैंने बनाए हैं ना, देखो इन्हीं से कितना सुंदर लग रहा है।
और मैं ना फूलों से सजाना चाह रही थी थोड़ा उसको, लेकिन शरद पूर्णिमा की वजह से फूल मार्केट में बिल्कुल नहीं थे और जो मेरी शॉप है जिससे मैं फूल लेती हूँ वो बंद थी, इसलिए आज तो मेरे ठाकुर जी भी जो देखो बिना फूलों के बैठे हुए हैं। दीपक जल रहे हैं, मॉर्निंग हो रही है, आज ही आपके पास वीडियो जाएगा, मॉर्निंग ही शूट कर रही हूँ। देखो अच्छा लगा ना, तो लाइक जरूर करना। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें ढेर सारी डीप क्लीनिंग हुई और बहुत ही सुंदर DIY बना है। अगर आपको ये पसंद आया हो ना तो एक लाइक जरूर करना, और इसे करने में ना पूरा दिन जो है चला जाता है, तो आप लोगों ने अगर शुरू नहीं करी हो डीप क्लीनिंग अपने घर की तो स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरीके से फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।